हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे POR वर्सेस CZR फुल स्टेट्स प्लस इनपो, यानी कि पुर्तगाल वर्सेस चेक रिपब्लिक के बीच जो मैच ग्रुप ए का मैच नंबर 6 खेला जाना है। 13 सितंबर को ये शाम 3 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल T10 सीरीज चल रही है, जो कि इंटरनेशनल यहाँ पे कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। 21 जो कंट्री है वो पार्टिसिपेट कर रही है। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा कार्तेमा का। इस सरफेस पे यहाँ पे दोनों इनिंग्स में अच्छी खासी आपको यहाँ पे रन दिख सकती है। बल्लेबाजी सरफेस मानी जा रही है और रन भी बन रहे हैं और विकेट भी थोड़ा आप देखेंगे डेथ ओवर में जो कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में थोड़े स्पिनर विकेट चटका रहे हैं, तो यहाँ पर बैटिंग को ज़्यादा एडवांटेज है। आप देखेंगे एवरेज इनिंग्स जो है यहाँ पे 115 का रहा है पिछले साल और प्रति मैच 11 विकेट गिर रहे हैं। यहाँ पे सेम वेन्यू में जो पिछले साल जो यहाँ पे मैच हुए थे 96 मैचेस हुए थे, 47 चेस हुई थी, 46 बैट फर्स्ट करने वाली जीती थी, 3 नॉट रिजल्ट रहा था। तो एडवांटेज आप यही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो टीमें अच्छा करेगी वही जीतेगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। इस वेन्यू में इस सीजन भी लगभग वही देखा जा रहा है, 3 मैच चेस हो चुकी है और 2 मैच बैट फर्स्ट करने वाली जीती है। हेड टू हेड की बात कर ले पुर्तगाल की, तो यहाँ पे हेड टू हेड में जो कल के दिन ही मैच खेले गए थे वहाँ पे पुर्तगाल की टीम ने 3 रन से मैच जीत गई थी। तो पुर्तगाल को थोड़ा सा एडवांटेज है, यहाँ पे एक मैच जीत के आ रही है। यहाँ पे अब अपडेट के लिए आप हमारे अगर जो ज़रूरी चीज़ है वह आप टेलीग्राम में आके देख सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। आप वहीं से आना चाहे तो आ सकते हैं, और आपको लिंक से ही आना है। आप विदाउट लिंक के आते हैं तो गलत चैनल में चले जाएंगे, इसलिए आपको लिंक से ही आना है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। बात कर ले पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल ने कल 2 मैचेस खेले जिसमें से 1 जीती है 1 हारी है। इनके तरफ से दोनों मैच में आए थे राव इमरान ओपन आए थे, राइट हैंड बैट्समैन है, 14 और 6 किए। इमरान खान दोनों मैच में फॉलोअप गए हैं, राइट हैंड बैट्समैन ये भी है, ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन थे, 0 और 8 किए, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं किए हैं। कॉनराड गिल्सन इनके एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जो कि मैंने कल बताया था आप इनको CBC करेंगे GLSL दोनों में। आप देखें 41 और 53 की रन बनाए हैं 19 और 24 गेंदों में, दो दो ओवर की गेंदबाजी ओपनिंग गेंदबाजी कर लेते हैं, पहला तीसरा ओवर डाल लेते हैं। बात कर ले राणा सरवर की, जो कि बैटिंग सेक्शन में 1 मैच में ठीक ठाक से प्रदर्शन किए, दूसरे मैच में इनका प्रदर्शन नहीं आया। फेरन कोशी स्टोमैन जो कि पिछले साल तक विकेट कीपिंग कर रहे थे, इस साल ये ऑलराउंडर का काम करके दे रहे हैं, डेथ ओवर में 1 ओवर डाल रहे हैं। आप देखेंगे तो इनको आप CVC ट्राई कर सकते हैं, पर थोड़ा कम ही, बट आप देखेंगे तो डेथ ओवर डाल रहे हैं, इस केस में ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं। और आप देखेंगे 35 और 0 किए हैं। सिराज निप्पू जो कि 1 मैच खेले 1 मैच मिस किए थे, आप देखेंगे 1 मैच में 2 विकेट लिए थे, पहला मैच में ये खेले थे, दूसरे मैच में ये नहीं खेले थे। तो सिराज निप्पू अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी, क्योंकि पहले मैच में आप देखेंगे तो 2 विकेट लिए थे। तो यहाँ पे मिगुल स्टोमैन की बात कर ले, जो कि पहले मैच में कुछ करने का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में 5 डाउन आके 32 किए, ये भी एक आधी ओवर डाल लेते हैं और ये अच्छे खिलाड़ी आपके लिए साबित हो सकते हैं, बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है, एक आधी ओवर डाल ले तो आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगी। एंथोनी चैम्बर्स जो कि बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर है इनका, इसलिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। बात कर ले पर्स जॉनट की, जो कि एक विकेट कीपर है, यहाँ पर इनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे लोअर ऑर्डर में बहुत नीचे आ रहे हैं, तो इस केस में आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, विकेट कीपिंग का एडवांटेज रहेगा। फखरुल हुसैन जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, बट इनकी जो है बॉलिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, 2 मैचेस में देखेंगे, दोनों मैच में रन खाए हैं बट दूसरे मैच में 1 विकेट लिए, बट आपके लिए ये अच्छी पिक हो सकती है, गेम चेंजर पिक, ये कुछ रन भी आपको दे सकते हैं, ये डोमेस्टिक में अच्छे खासे हार्ड हिटिंग भी कर रहे थे। जुनैद खान जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल आपको टीम में लेना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। मोबिन तारिक की बात कर ले तो ये भी अच्छे बॉलर हैं, आप इनको भी ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करते हैं, चौथा और छठवा ओवर या चौथा सातवा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। पुर्तगाल की फुल स्टेट्स आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं चेंज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे फुल स्क्वाड के फुल स्टेट्स यहाँ पे उपलब्ध है। राव इमरान के आप पिछले देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से मैचेस में कैसा प्रदर्शन रहा, यहाँ पर टोटल T10 के लिख रखे हैं। यहाँ पे आप जहाँ पे देखेंगे ECC लिखा हुआ है, कहीं पे ECL लिखा हुआ है, तो जो ECC होगा और ECL होगा वो थोड़े बड़े टूर्नामेंट है, जहाँ पे ECS और ECN होगा वहाँ पे वो थोड़े छोटे लेवल के डोमेस्टिक मैचेस है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रंट कोर्स स्टेटमेंट खेल ही रहे हैं,
यहाँ पे इमरान खान भी खेल रहे हैं, एंथोनी चैम्बर्स भी लास्ट मैच में खेले थे, कोनरान क्रिस्टी का पिछले रिकॉर्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे, राणा सरोवर भी खेल रहे हैं। फखरुल हुसैन के बारे में मैंने बताया कि अच्छे खिलाड़ी है, कुछ रन भी बना लेते हैं, अर्धे ओवर में गेंदबाजी करते हैं, बट दो मैच से उतना खास नहीं है, आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेंगे। पर्थ जोंडट खेल ही रहे, मोबिन तारिक खेल रहे, जुनेद खान भी खेल रहे, सरीराज नेपू भी खेल रहे, मिगुल स्टोमेन भी खेल रहे। यहाँ से मधुकर थापा एक ऑप्शन है, अगर टीम खिलाना चाहे तो खिला सकती है, पर उसने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चेक रिपब्लिक की, जो कि दोनों मैचेस हार के आ रही है, एक मैच तो लगभग जीती हुई मैच हारी थी पहला मैच, जो कि अनलकी साबित हुई इनके लिए, बट डाउजी की बहुत अच्छी नॉक आई थी जिसमें हमारे सी थे, बहुत अच्छी नॉक थी उनमें, नौ ये वैसे दो ओवर की गेंदबाजी करते हैं, बट दोनों मैच आप समझ लीजिए कि ये मैच भी एक ओवर किए थे, बट ये वाली मैच तो वन साइडेड हो गई थी, तो यहाँ पे इनको मौका नहीं मिला, बट ये दो ओवर की गेंदबाजी डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। आपके लिए सीबीसी के सबसे बेस्ट चॉइस सब वन डाउजी रहेंगे। डायलन स्टैन दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, बट अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल गेम चेंजर, बहुत ही सिलेक्शन कम है, आपके टीम में बिल्कुल ये रहने चाहिए। साजिब भुइयां जो कि वन डाउन आ रहे हैं और आपको एक से दो ओवर की गेंदबाजी देंगे, और आपके लिए ये भी सीबीसी के अच्छे चॉइस रहेंगे। सेकेंड मैच वन साइडेड हो गया था क्योंकि आयरलैंड के साथ मैच थी, तो वन साइडेड हो गया क्योंकि आयरलैंड बहुत अच्छी टीम है, तो इस केस में आप यहाँ पे सेकेंड मैच में आपको इन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं दिखेगा, बट ये अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल। क्रांति वेंकटेश्वरी जो कि थ्री डाउन आ रहे हैं, 14-5 किए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। ऋतिक तोमर द टैंक के नाम से जाना जाते हैं, आप देखेंगे ये भी अच्छे खिलाड़ी है, एक आधी ओवर ये भी करके दे सकते हैं। देवेंद्र सिंह जो कि एक विकेट कीपर है, बट मैं ज़्यादा इनको नहीं कहूँगा कि आप इनको टीम में रखें, बट आप एडवांटेज देख सकते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो कैचिंग स्टंपिंग दोनों विकेट कीपर लगभग सेम ही है। आकाश परमार आप जिसको लेना चाहे ले सकते हैं, आकाश परमार की बात कर ले तो बहुत लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस केस में आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे बात कर ले सहारन रामाकृष्णन, तो ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ये भी बहुत लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं, इस केस में आप छोड़ सकते हैं। सत्यजीत सेनगुप्ता इनके मेन बॉलर है, पहला तीसरा ओवर या पहला या मिडिल ऑर्डर में डाल सकते हैं, पिछले साल तो डेथ ओवर में भी एक आधी ओवर डाल रहे थे 9वां 10वां, बट इस साल नहीं डाल रहे हैं। नावेद अहमद जो कि स्पिनर है, उतना खास मुझे नहीं लग रहा है, बट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ से अबुल फरहाद जो कि डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं चेक रिपब्लिक की फुल स्टेट, जो कि पिछले साल के आप यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं। टीम यहाँ पे शहादत सागर एक ऑप्शन है, नावेद अहमद हो सकता है आज के दिन ना खेले, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसके जगह कोई और दूसरे बॉलर खिलाना चाहे टीम, तो ये टीम का मैनेजमेंट का फैसला रहेगा। यहाँ से शहादत सागर बहुत अच्छे ऑप्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी, अगर ये खेले तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह खेल रहे हैं, केदांती वेंकटस्वामी खेल रहे हैं, डायलन स्टैन भी खेल रहे हैं, साजिब भुइयां भी खेल रहे हैं, ऋतिक तोमर भी खेल रहे हैं, आकाश वर्मा भी लास्ट मैच खेले थे, सहारन भी खेल ही रहे, साहिल ग्रोवर एक ऑप्शन है, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट उतने कुछ खास नहीं है, इनको उतना ध्यान नहीं देना है। कुशल मेंडोन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टीम खिलाना चाहे तो खिला सकती है, ये भी ठीक ठाक से ही ऑप्शन है। समित पटेल एक अच्छे बॉलर है, अगर ये खेले तो इन पे ध्यान देना है, हो सकता है किसी और की जगह आ जाए, तो कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलते हैं आप बिल्कुल यहाँ से स्टेट देख सकते हैं। नावेद अहमद खेल ही रहे, अबुल फरहाद भी खेल रहे, तो अब हम चलते हैं अपने वहाँ पे आपको डेमो टीम की बात कर ले। बात कर ले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे आप जिसको लेना चाहे ये आपकी कॉल रहेगी, बिल्कुल आप जिसको लेना चाहे देवेंद्र सिंह या फिर जोनट को, तो आप जिसको लेना चाहे आप ले सकते हैं, दोनों सेम ही है, सेम बैटिंग ऑर्डर भी है। और यहाँ से बात कर ले सबसे पहले सबसे फर्स्ट चॉइस की, तो मेरी सबसे फर्स्ट चॉइस यहाँ पे चॉइस जो रहेगी डायलन स्टैन और आर इमरान रहेगी, बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आपकी एक चॉइस रहेगी, आप यहाँ से राणा सरोवर जिनकी पहले बैटिंग आती है आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, के वेंकटस्वामी, अगर आपको गेम चेंजर लेना है तो यहाँ से जीएल में एम स्टोमन को आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी यहाँ से जो है के वेंकटस्वामी जो एक अच्छे प्लेयर है, 3-4 डाउन आ जाएंगे, बिल्कुल आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। बाकी यहाँ से और मैं ज़्यादा किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी यहाँ से बात कर ले तो एप स्टोमन जो कि ये दो ओवर की गेंदबाजी दे रहा है, साजिब भुइयां दो ओवर की गेंदबाजी दे रहा है, ऋतिक तोमर को जो है आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अच्छे प्लेयर है, एक आधी ओवर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे सावन डाउजी और कॉनराड ग्रीनफील्ड के साथ जा रहा हूँ, यहाँ से हमारी पिक ये रही। बाकी देखिए सहराज निपू खेले तो एक गेम चेंजर पिक जीएल के लिए रहेगी, शहादत हुसैन एक जीएल पिक रहेगी, ऋतिक तोमर तो ऐसे भी जीएल पिक रहेगी, बैटिंग पहले आती है तो ऋतिक तोमर को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं जीएल में। बाकी यहाँ से जो है ऑप्शन में एस सेनगुप्ता हमारी सबसे फर्स्ट चॉइस रहेगी, जुनेद खान सबसे फर्स्ट चॉइस रहेगी, समित पटेल अगर खेलते हैं तो इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मोबिन तारिक एक अच्छे ऑप्शन है, तो जिसकी पहले बॉलिंग आएगी, अगर पुर्तगाल की पहले बॉलिंग आ रही तो मोबिन तारिक को हम लेंगे, और अगर पहले यहाँ से अगर
चेक रिपब्लिक की बॉलिंग आती है तो सुहास फरात को लेंगे, या तो फिर यहाँ से फखरुल हुसैन, एक गेम चेंजर आप लेना चाहे फास्टर बॉलर, तो यहाँ से फखरुल को ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल सेफ जाते हुए फखरुल हुसैन को मैंने यहाँ पे लिया हूँ। और यहाँ पे बात कर ले सीबीसी की, तो सीबीसी के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन सी ग्रेनसिल रहेंगे और सावन डाउजी, और यहाँ से साजिब भुइयां, और ये तीन ऑप्शन सबसे बेस्ट सेफ रहेंगे एसएल के लिए। बाकी जीएल में एम स्टोमैन एक अच्छे ऑप्शन है, डालियन एस्टन को भी आप पहले बल्लेबाजी आती है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से और पांच ही ऑप्शन है, बाकी आप विकेट कीपिंग से जिसको लेना चाहे ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी डेमो टीम की बात कर ले, तो मैंने सी ग्रोनशिल को दिए, वीसी यहाँ पे डाउजी को दिए। तो कुछ इस तरीके से विकेट कीपिंग आपका कॉल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, वीडियो से आपका कुछ हेल्प हुई है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।